मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सुबह के बज चुके हैं 6 और हमेशा की तरह आपके लिए आ चुका है एक और इंपॉर्टेंट वीडियो और एक एक राज्य के बारे में जो है वापस हम जानने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपको बहुत कुछ जो है नया सीखने को मिलेगा. और एक और अपने नॉर्थ ईस्ट के इंपॉर्टेंट राज्य के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जो कि है आपका मेघालय. तो आज हम मेघालय के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों. काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ब्यूटीफुल राज्य है और कभी भी आपको मौका मिले जाने का तो जरूर जाइएगा दोस्तों, बहुत ब्यूटीफुल है. उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप भुनेश 10 यूज करके आप पूरा फायदा उठा सकते हैं. 10% ऑफ मिलेगा आपको, साथ में सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेज है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना. रेलवे के अंदर मिले 40 स्टैटिक जीके के टॉपिक चल रहे हैं, साथ में 111 टेस्ट एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, साथ में 30 टेस्ट के आपको वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है मैथ रीजनिंग जीके जीएस के, ठीक है. तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जीके और जीएस. बैंकिंग के अंदर आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, 70-80% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. और सीजीएल के अंदर दोस्तों हम तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया अभी मैंने. अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी आज तक तो एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा. ₹500 पर मंथ आपको कुछ ऐसा अमाउंट पे करना पड़ेगा और एक साल का ले लीजिएगा, ताकि सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी हर एक एग्जाम की आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकें. इसके साथ में दोस्तों आपके लिए कल रात से जो है क्लास स्टार्ट कर दी गई है, रात को 11 बजे देखिएगा, आपको दो क्लासेस स्टार्ट हुई है आपके लिए. और एक तो प्रवीण सर है, अंकित सर है और राजेंद्र सर है. तो सभी एग्जाम्स के लिए जीएस की तैयारी आप कर सकते हैं मेन चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है. तो ये यूट्यूब के ऊपर है, अपने मेन चैनल के ऊपर स्टार्ट करिए, है ना, 2.0 पे नहीं है. चलो, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम दोस्तों मेघालय के बारे में बात करने वाले हैं. आप देख सकते हैं आसाम के नीचे एक राज्य है मेघालय, और 1972 के अंदर स्टेट बना, कैपिटल है शिलोंग, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 11, गवर्नर है यहाँ पे तथागत रॉय, चीफ मिनिस्टर है अभी कॉनरेड संगमा, हाई कोर्ट है यहाँ पे मेघालय हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस है यहाँ पे मोहम्मद रफीक, और ये अभी 13 तारीख को ही बनाए गए हैं. असेंबली की बात करें यहाँ पे 60 विधानसभा की सीट है, लोकसभा की 2 है, और राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे 1 सीट है जो कि आपको देखने को मिलती है. कॉनरेड संगमा की बात करें तो ये इनकी जो पार्टी है दोस्तों उसका नाम है NPP, ठीक है. बाउंड्रीज की बात करते हैं, नीचे की तरफ दोस्तों आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, इसके अलावा बात करें तो ठीक है ऊपर की तरफ आपको आसाम देखने को मिलेगा, ओके. तो ये दो राज्यों से है जो कि दो एक राज्य और एक कंट्री से घिरा हुआ है, ये देख सकते हो आप मैप के अंदर, ठीक है. ये आपका पूरा आसाम है इधर, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है किसकी, बांग्लादेश की. ये रहा शिलोंग, ईस्ट खासी हिल के अंदर, ये ईस्ट खासी हिल है. पेपर में पूछते हैं कि शिलोंग कौन सी जगह पे, तो ईस्ट खासी हिल के अंदर है, ओके. यहाँ पे हिल्स है दोस्तों, गोरा खासी जैतिया, आप देख सकते हो ये गारो हिल्स है, यहाँ पे खासी हिल्स है और ये जैतिया हिल्स है. तो इस तरीके से तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड है. स्टेट के सिंबल्स की बात करें तो यहाँ पे लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ का स्टेट का एनिमल है. यहाँ पे मायना है, हिल मायना जो कि बर्ड है यहाँ का, बहुत ही ब्यूटीफुल है देख सकते हो आप. लेडी स्लीपर ऑर्किड है जो कि यहाँ का फ्लावर है, और घमर नाम से यहाँ का स्टेट का ट्री है. हिस्ट्री की बात करें मेघालय की तो यहाँ पे खासी, गारो और जैंतिया ट्राइब्स है जो कि काफी पुराने टाइम से यहाँ पे रह रही है. 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में पार्टीशन हुआ वेस्ट बंगाल से, 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, तो मेघालय पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत का हिस्सा है जो कि बन गया था. 72 को मेघालय का गठन असम राज्य के 2 जिलों को मिलाकर किया गया था, यूनाइटेड खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स जो है, और गारो हिल्स, इन सबको मिलाकर किया गया था. इससे पहले अर्ध जो है यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस स्टेटस जो है, अर्ध स्वामित्व स्वायत्व जो दर्जा है इसको 1970 तक मिला हुआ था. ज्योग्राफी की बात करें तो दुनिया, हमारे भारत का सबसे ज्यादा, ठीक है, और पूरी दुनिया का, इनफैक्ट पूरी अर्थ का सबसे वेटेस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा बारिश होने वाला एरिया मेघालय के अंदर है, चेरापूंजी महेश्वरम आपको मालूम है. और मेघालय के जो फॉरेस्ट है वो काफी रिच है, बॉटनिकल हैबिटेट ऑफ एशिया में. हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे शिलोंग पीक है,
ओके, जहां पे इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन भी है खासी हिल के अंदर, ठीक है, जिसका एल्टीट्यूड जो है काफी अच्छा है, नियर बाय 1960 मीटर के ऊपर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफी नैरो डीप वैलीज भी है, और यहाँ पे बारापानी, ठीक है, उमियम बारापानी जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे, जो असम और मेघालय राज्यों के लिए पन बिजली का प्रमुख है। तो बिजली का जो है यहाँ पे मेजर सोर्स जो है वो ये नदियां हैं यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों काफी और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि आपको मेघालय के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि पूरे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज जो है वो यहाँ पे मायोनिंग है। ओके, मायोनोंग नाम से एक विलेज है जो कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है जो कि माना जाता है क्रिश्चियनिटी जो नॉर्मली आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा इंग्लिश यहाँ पे सब काफी ज्यादा लोग हैं जो कि बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, और मैट्रियार्कल सोसाइटी सिस्टम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। टू वे ब्रिज है जो कि रूट से बने हुए दो ब्रिज है ना। इसके अलावा बात करें ट्रेडिशनल, यहाँ पे आपको बैम्बू से बने हुए काफी सारे घर मिलेंगे। नौकालखाई फॉल्स मिलेंगे जो कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। मेघालय के मोमेंट्स की बात करें तो ये काफी ग्रीनरी लैशेस आपको देखने को मिलते हैं, है ना, ठीक है। और फुटबॉल यहाँ पे दोस्तों काफी जो लोग हैं यहाँ पे फुटबॉल खेलते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, और एक क्रिसमस नाम से फ्रॉग भी है जो कि यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, क्रिसमस नाम से, ठीक है। फ्लोरा और फौना यहाँ पे काफी जबरदस्त देखने को मिलते हैं, और डेडली स्नेक जो है वो भी काफी टाइम से यहाँ पे रहते थे दोस्तों, वाटरफॉल के आसपास आपको काफी स्नेक भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफी रोइंस हैं यहाँ पे एशियन टेम्पल्स के, वो भी आपको देखने को मिलते हैं, और ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं जो कि आपको मेघालय में देखने को मिलेगी। यहाँ के इलेक्शन की बात करें, 2018 में इलेक्शन हुए और कोई भी सिंगल पार्टी यहाँ पे नहीं जीती, तो यहाँ पे कॉन्रेड संगमा है जो कि एनपीपी के लीडर है, उन्होंने यहाँ पे पार्टी बना ली सारी छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर, बीजेपी यूडीपी रीजनल पार्टियों को मिला के यहाँ पे सीएम बन गए। मेजर डैम की बात करें तो यहाँ पे मोपुन डैम से एक डैम है जो कि यहाँ का मेजर डैम है। मेजर जनरल फैक्ट्स की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, मेघालय का अबोड ऑफ द क्लाउड, जो बादलों का घर होता है वो इसको कहते हैं। शिलोंग जो है उसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, साथ में रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। म्यूजिक लवर यहाँ पे काफी मिलेंगे आपको, जो रॉक आपने रॉक ऑन जो मूवी थी उसका सेकंड पार्ट जो है वो पूरा का पूरा यहीं पे ही आपको, ठीक है, यहाँ पे ही शूट हुआ था वो, तो यहाँ पे म्यूजिक लवर काफी देखने को मिलेंगे। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट केव है, ठीक है, जयंत हिल्स के अंदर, वो भी यहीं पर ही है, 22 किलोमीटर की है, दो सेपरेट केव्स को मिलाती है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन और स्टैटिग्राफी जो है वो भी यहीं पर ही है दोस्तों, और मेघालय स्टेज जो है उसको कहते हैं। टाउन ऑफ शौरा चिंपा जो चेरापूंजी है खासी हिल्स के अंदर दोस्तों, आपको मालूम है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एक साल के अंदर रेन जो है यहीं पे ही गिरती है, तो चेरापूंजी और महेश्वरम इन दोनों का रिकॉर्ड है दोस्तों ज्यादा रेन होने का। मेघालय के अंदर कोई हैवी इंडस्ट्रीज नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट का, प्लाईवुड का, इन सबका होता है। नौकेलखाई फॉल के बारे में मैंने आपको बताया था, ओके, जो कि 115 मीटर की हाइट के ऊपर है और हाईएस्ट फॉल है जो कि माना जाता है। सेवन सिस्टर फॉल भी है यहाँ पे, सात एक साथ झरने गिरते हैं, है ना। फेमस ट्री रूट ब्रिज ये देख सकते हो आप, ये बहुत ही फेमस है, इसके ऊपर यहाँ पे आप काफी लोग हैं जो कि आते जाते हैं, इवन दो जो है इसके काफी इंटैक्ट है, लिविंग रूट से ये ट्री की, और बहुत ज्यादा मजबूत है। इसी तरीके से डबल डेक ब्रिज भी है, दो रूट से एक के ऊपर एक, वो भी है यहाँ पे। सेक्रेट ग्रोव्स है यहाँ पे, ग्रोव्स फॉरेस्ट है मेघालय के जो कि काफी रिच है बायोडाइवर्सिटी के अंदर, और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, 81% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। मायोनोंग मैंने आपको बताया एशिया का जो है वो क्लीनेस्ट विलेज भी माना जाता है। फेस्टिवल की बात करें तो दोस्तों, तो यहाँ पे मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल जो है जुलाई के मंथ में यहाँ पे मनाए जाते हैं, ठीक है। और एक तो यहाँ पे नौक्रम नाम से फेस्टिवल है, और यहाँ पे बैदिन कलम नाम से फेस्टिवल है, और वंगाला नाम से फेस्टिवल है, तो यहाँ पे मनाए जाते हैं। डांसेस की बात करें तो यहाँ पे का पॉम ब्लंग है, साथ में यहाँ पे का शेड है, लाहौर डांस बहुत फेमस है, ये पेपर में आता है। इसके अलावा नेशनल पार्क की बात करें तो नौकरेक बहुत इंपॉर्टेंट है, बलपक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जीआई टैग की बात करें तो यहाँ पे मीमोंग नारंग है और खासी मैंडेरिन है जो कि यहाँ के दो जीआई टैग है जो कि मेघालय के मिले हुए हैं। इसके अलावा फेमस प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पे डॉन बॉस्को म्यूजियम है इंडिजीनियस कल्चर को लेकर,
और मौसमी केव्स है, एलिफेंट फॉल है, नौकालकाई फॉल्स मैंने आपको बताया, ये देख सकते हो फोटो जो है ये नौकालकाई फॉल्स की है। तो ये था दोस्तों आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि हमने मेघालय के बारे में बात करी। इसके अलावा अगर आपको अकेडमी पे कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप BHUNSH बुनेस 10 यूज करके पूरा फायदा उठा सकते हैं। लेना कैसे है दोस्तों, आपको अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपका कोई भी एग्जाम का गोल है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं इंडिया में, चाहे SSC हो, बैंक हो, UPSC हो, आप रेफरल कोड यहाँ पे बुनेस 10 यूज कर सकते हैं, आपको सभी क्लासेस मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट की, साथ में आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपना गोल सेलेक्ट कर लिया रेलवे एग्जाम का, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस में जाइए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद आपको 6 महीने 12 महीने का ऑप्शन आएगा, 12 महीने का ऑप्शन ले सकते हैं, मात्र 400 रुपये पर मंथ आपको पे करने पड़ेंगे रेलवे के लिए, और SSC की बात करें तो 500 रुपये पर मंथ, बहुत ही सस्ता है आपके लिए, जिसमें कंप्लीट एक साल तक जितने भी एग्जाम होंगे SSC के उनकी प्रिपरेशन होगी, कंप्लीट कोर्स, साथ में आपको टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, रेफरल कोड के अंदर आपको यहाँ पे BHUNSH बुनेस 10 डाल के अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक शेयर, सुबह 8 बजे क्लास को वाईफाई स्टडी पे भी ज्वाइन करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, द हिंदू का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।